एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? आज मैं हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है सप्लाई ऑफ मनी। सो अगर आपको वीडियो क्लियर ना दिखाई दे तो अपना रिजोल्यूशन इंक्रीज़ कर सकते हैं आप, तब आपको वीडियो अच्छे से दिखाई देगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो बात बता देती हूँ। पहली कि मैं रोज़ दो न्यू वीडियो डालती हूँ अपने चैनल पर, जिसमें एक वीडियो जो होती है शॉर्ट्स की वीडियो, और जो दूसरी वीडियो होती है वो होती है फुल लेंथ वीडियो, जिसमें मैं पूरा का पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करती हूँ। तो आप चाहें तो दोनों वीडियो देख सकते हैं। दोनों का ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से आपको जो भी टॉपिक चाहिए वो आप इसमें से सर्च कर सकते हैं। सेकेंड है कि अगर आपका कोई टॉपिक है जो भी आप चाहते हैं कि मैं उसे एक्सप्लेन करूँ, तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और वीडियो ख़त्म होने के बाद अपनी वैल्यूएबल कमेंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सप्लाई ऑफ मनी विद द पीपल और वॉल्यूम ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, मतलब जितना भी वॉल्यूम ऑफ मनी सर्कुलेट होता है, जितना भी मतलब पैसा अभी इस टाइम पे मार्केट में है, उसको हम वॉल्यूम ऑफ मनी कहते हैं, ठीक है, या फिर सप्लाई ऑफ मनी जो पीपल के पास है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल इन द कंट्री बाय इंडिविजुअल, या फिर किसी इंडिविजुअल के पास है, या फिर किसी बिजनेस हाउस होल्ड के पास है, ये सब सप्लाई ऑफ मनी के अंदर ही इंक्लूड होता है, ठीक है। उसके बाद है कि वी इंक्लूड करते हैं ऑन द अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, यूज्ड बाय द पब्लिक फॉर ट्रांजैक्शन एंड फॉर मेकिंग पेमेंट्स एंड फॉर सेटलमेंट ऑफ डेब्ट, एंड एक्सक्लूड कर देते हैं मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट के पास मनी है तो उस मनी को हम एक्सक्लूड करेंगे, उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं सप्लाई ऑफ मनी में। एंड इट्स ट्रेजर, गवर्नमेंट के पास जो भी टैक्सेटेड पैसा आता है, जो भी उनके ट्रेजर्स में होता है, तो हम उसको, या फिर मनी लेइंग विद द कमर्शियल बैंक सिस्टम, अगर उनके पास है तो वो भी हम सब कुछ एक्सक्लूड करेंगे, तो इसको हम मनी सप्लाई के अंदर काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मनी पढ़ लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ मनी होता है एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स मनी इज़ ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जितनी बार भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में जो भी हम जितनी टाइम मतलब मनी वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, तो हम उसे वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी बोलते हैं, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ जो भी है पैसा हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, हम स्पेंड करते हैं फॉर परचेज ऑफ गुड एंड सिक्योरिटीज़, इन सब में हम जब सिक्योरिटी सर्विसेज को हम जो भी परचेज करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, मनी एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट हो जाता है, ठीक है, ये ट्रांसफर कह सकते हैं उसे। वेलोसिटी ऑफ मनी जो है वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, तो वो देख लेते हैं। पहला क्वांटिटी ऑफ मनी, कितना क्वांटिटी ऑफ मनी है हमारे पास। क्वांटिटी ऑफ मनी मतलब वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी डिपेंड करता है अपन सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, कितना मनी का सप्लाई है तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कितना क्वांटिटी है। सेकेंड है फ्रिक्वेंसी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, कितना कैश ट्रांजेक्शन हुआ उसकी फ्रिक्वेंसी, ग्रेटर द फ्रिक्वेंसी, जितना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी कैश ट्रांजेक्शन की इन द इकोनॉमी, हायर शेल बी द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, उतना ही ज़्यादा सर्कुलेशन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन हाई होगा। क्रेडिट फैसिलिटी, इफ द पीपल इन द कंट्री आर गिवन क्रेडिट फैसिलिटी, अगर उनको क्रेडिट फैसिलिटी दे दी जाए लार्ज स्केल पे, तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन गोज अप, ठीक है, वो अपने आप ही अप चले जाएगा। ज़्यादा ज़्यादा पैसा लोगों के पास होगा, क्या करेंगे, वो खर्चा करेंगे इसका, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो ऐसा और भी ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ जाएगी। फोर है साइज ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कितना उनके पास साइज़ है कंज्यूम करने का, अकॉर्डिंग टू कीन्स हायर द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जितना ज़्यादा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हायर होगा उतना ज़्यादा ही वेलोसिटी ऑफ मनी भी होगा, इन दैट प्रपोर्शन ओनली। फिफ्थ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, किस तरह से इनकम डिस्ट्रीब्यूट है, इफ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूट इन अ कंट्री इन सच अ मैनर, इस तरह से है कि रिचर सेक्शन के पास ज़्यादा है तो वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि रिच उतना ज़्यादा खर्चा नहीं करते, लेकिन बिकॉज दिस सेक्शन इज़ इंक्लाइन टू होल्ड, आपको पता ही है जो रिच सेक्शन होता है वो क्या करता है, स्टॉक में लगा देता है, तो ज़्यादातर वो होल्ड करके रखता है अपने कैश बैलेंस को इट सेल्फ अपने पास, तो इतना ज़्यादा सर्कुलेट नहीं होती है। लेकिन सेम अगर हम कंडीशन पुअर के साथ देखें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मनी, क्योंकि पुअर के पास ऑलरेडी कम पैसा होता है तो उस हिसाब से वो खर्चा करता है। उसके बाद कुछ कंपोनेंट्स होते हैं मनी सप्लाई के, वो हम देख लेते हैं। करेंसी कंपोनेंट, डिपॉजिट कंपोनेंट, पहला है करेंसी कंपोनेंट। करेंसी कंपोनेंट जो होता है कंसिस्टिंग ऑफ कॉइन्स एंड करेंसी नोट, ये कंसिस्ट करता है कॉइन करेंसी नोट जो कि इशू किए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। डिपॉजिट कंपोनेंट क्या होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ डिपॉजिट ऑफ जनरल पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक, जो जनरल पब्लिक ने कमर्शियल बैंक के साथ डिपॉजिट किया होता है उसको डिपॉजिट कंपोनेंट बोलते हैं। तो पहले हम कॉइन के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, मेटालिक कॉइन जो होते हैं इशू किए जाते हैं बाय द कंट्री मॉनेटरी अथॉरिटी, किसी भी कंट्री की जो मॉनेटरी अथॉरिटी होती है वो इशू करती है मेटालिक कॉइन्स को। ए है फ्री कॉइनेज,
ए है फ्री कॉइनेज अंडर द सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर एनीबडी कुड टेक अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ मेटल, ठीक है, इसमें क्या होता है कोई भी फिक्स क्वांटिटी ऑफ मेटल को यहाँ पे ले सकता है एंड इट मिंटेड एट मिंट हो सकती है मिंट में, तो मिंट इन अदर वर्ड्स बोलते हैं कि ओपन टू पब्लिक, मिंट ओपन होता है पब्लिक के लिए, फ्री मिंटेड एट द मिंट में भी ग्रेटिट्यूस और नॉन ग्रेटिट्यूस दोनों हो सकते हैं। अब क्या होता है ग्रेटिट्यूस एंड कॉइनेज एंड नॉन, तो उसको हम देखते हैं। ग्रेटिट्यूस कॉइनेज इज दैट वेयर नो फीस इज चार्ज फॉर मिंटिंग ऑफ अ कॉइन, जब कॉइन मिंट होते हैं तो उस टाइम पे बनते हैं, मतलब कोई फीस नहीं लगती है। और नॉन ग्रेटिट्यूस कॉइनेज में मतलब क्या होता है इज दैट वेयर जहाँ पे फीस चार्ज की जाती है मिंटेज के लिए, ठीक है। अब नॉन जो ग्रेटिट्यूस कॉइनेज होती हैं वो दो टाइप की होती है, एक तो ब्रासेज होती है, एक सिग्नोरेज होती है। पहली जो है व्हेन द गवर्नमेंट चार्ज करती है फी इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ मिंटिंग कॉइन, जितना मिंट हो रहा है कॉइन उतना ही इक्वल चार्ज करेगी गवर्नमेंट, तो उसको ब्रेसेज बोलते हैं। द गवर्नमेंट मेक्स नो प्रॉफिट, तो इसमें क्या होता है गवर्नमेंट को कोई प्रॉफिट नहीं होता। लेकिन सिग्नोरेज में क्या होता है व्हेन द गवर्नमेंट चार्ज अ फी, लेकिन फी चार्ज करती है हायर देन द कॉस्ट ऑफ मिंटिंग, जितनी भी मिंट बन रहा है कॉस्ट कॉइन तो उसमें जितनी कॉस्ट आ रही है उससे ज़्यादा चार्ज करेगी गवर्नमेंट, तो तब सिग्नोरेज आता है इस और गवर्नमेंट मेक्स सम प्रॉफिट। तो इसमें क्या होता है इस टाइप के कॉइनेज में गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है मतलब, ठीक है। फिर होता है बी लिमिटेड कॉइनेज, लिमिटेड में क्या होता है कॉइनेज इज हैड टू बी लिमिटेड व्हेन कॉइनेज इज डन बाय द गवर्नमेंट अकाउंट ओनली, गवर्नमेंट अकाउंट के लिए होता है तो उस टाइम पे लिमिट में किया जाता है। अंडर द सिस्टम गवर्नमेंट इंजॉय करती है मोनोपोली ऑफ मिंटिंग कॉइन्स, क्योंकि गवर्नमेंट ही मिंट करती है, गवर्नमेंट को ही यहाँ पे राइट है कॉइन्स बनाने का और किसी को नहीं है। गवर्नमेंट इटसेल्फ बाय करती है मेटल्स को और फिर कन्वर्ट करती है उनको कॉइन्स में। उसके बाद है सेकेंड पेपर करेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है मनी सप्लाई का, वो होता है पेपर करेंसी विच इज़ ऑब्लिगेशन ऑफ सेंट्रल बैंक, जो कि ऑब्लिगेशन है सेंट्रल बैंक का। पेपर करेंसी इन कंट्रीज रेगुलेटेड क्या रेगुलेट किया जाता है विद द बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी जो होती है वही रेगुलेट करती है इसको। उसके बाद सेकेंड टॉपिक है हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ नोट इशू, क्या स्टैंडर्ड सिस्टम है हमारे यहाँ पे नोट इशू करने का, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मेन सिस्टम से उसको देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट है सिंपल डिपॉजिट सिस्टम, पहला जिसमें सिंपल डिपॉजिट सिस्टम है, अंदर इस सिस्टम के अंदर मॉनेटरी अथॉरिटी इज़ रिक्वायर्ड टू कीप, रिक्वायर्ड होता है कि वो रखे 100% ऑफ बुलियंस गोल्ड और सिल्वर, ठीक है, फॉर एवरी नोट इशूड, जितनी भी नोट इशू करती है उतने ही उनको गोल्ड और सिल्वर मतलब 100% ऑफ बुलियंस इसमें रखने पड़ते हैं। इसको बोलते हैं हम फुल रिजर्व सिस्टम, ठीक है, एक सिंपल डिपॉजिट सिस्टम भी इसको बोलते हैं और साथ ही साथ इसको फुल रिजर्व सिस्टम भी हम कह सकते हैं। सेकेंड है फिक्स फिड्यूशियरी सिस्टम, फिक्स फिड्यूशियरी सिस्टम में क्या होता है इस सिस्टम के अंदर सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री परमिट किया जाता है कि वो इशू करे फिक्स अमाउंट ऑफ नोट्स, ठीक है, यहाँ पे फिक्स अमाउंट ऑफ नोट्स गवर्नमेंट परमिट करती है विदाउट कीपिंग एनी मेडिकल सॉरी मेटालिक रिजर्व्स, बिना कोई मेटालिक रिजर्व्स रखे हुए। इस पोर्शन को हम फिड्यूशियरी सिस्टम बोलते हैं। बट ऑल नोट्स इशूड अबव दिस अमाउंट मस्ट बी कन्वर्टेड, लेकिन जितना भी हमने यहाँ पे नोट इशू किया है वो सारा का सारा कन्वर्ट होगा बाय 100% ऑफ मेटालिक रिजर्व, ठीक है। थर्ड है मैक्सिमम फिड्यूशियरी सिस्टम, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा, अंडर दिस सिस्टम इस सिस्टम के अंदर देर इज़ अ मैक्सिमम लिमिट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिमिट होती है अप टू विच सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक इज़ ऑथराइज टू इशू नोट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना वो ऑथराइज है, कितना मैक्सिमम के पास लिमिट है इशू करने की नोट्स को विदाउट एनी गोल्ड रिजर्व, कोई भी गोल्ड रिजर्व यहाँ पे वो नहीं रखने, बट देर इज़ हैज़ टू बी फुल पैकिंग ऑफ गोल्ड रिजर्व बियॉन्ड दिस लिमिट, लेकिन पैकिंग उनके पास होनी चाहिए पूरी की पूरी गोल्ड रिजर्व की बियॉन्ड दिस लिमिट, इस लिमिट के बियॉन्ड। फोर है प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम में अंडर दिस सिस्टम इस सिस्टम के अंदर सेंट्रल बैंक इज रिक्वायर्ड टू कीप अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ गोल्ड, इसमें सेंट्रल बैंक कुछ परसेंटेज का गोल्ड रखेगी अगेंस्ट द नोट इशू, जितनी भी वो नोट इशू कर रही है उतना, एंड द रिमाइंडर ऑफ द नोट इशू इज कवर्ड बाय सिक्योर स्क्रूटनीज, ठीक है, और जो रिमाइंडर है इन नोट इशूज़ का वो कवर्ड किए जाएंगे बाय स्क्रूटनीज से। फिफ्थ है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, अंडर दिस सिस्टम द सेंट्रल बैंक इज परमिटेड, सेंट्रल बैंक को परमिट किया जाता है इशू करने के लिए नोट टू एनी एक्सटेंट, कितना भी प्रोवाइडेड बाय फिक्स मिनिमम रिजर्व, जितना भी फिक्स मिनिमम रिजर्व है उसके एक्सटेंट तक कितना भी कर सकती है इस मेंटेन बाय इन, और वो मेंटेन होगा गोल्ड में और फॉरेन की जो सिक्योरिटीज़ हैं उसमें, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, ठीक है, वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं बना रही हूँ, जितने भी मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई है उसे हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, और
आज का वीडियो इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जाते जाते नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।